हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। पिता परमेश्वर, आज के सुबह के समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने रात को अच्छी मीठी नींद दिया, सुबह का नया दिन दिखाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दिन को कितने लोग देख नहीं पाए परमेश्वर पिता, लेकिन आपने हमें यह नया दिन दिया परमेश्वर पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। परमेश्वर हमारे जीवन में हर चीज़, हर परमेश्वर पिता, हर पल हमें संभाल के रखा प्रभु जी, अपनी आँखों की पुतली की नाई प्रभु जी, आपने हमें संभाल के रखा है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजाओं का राजा, पिता परमेश्वर महिमा मैं पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते। पिता परमेश्वर जगत की ज्योति, हमारा परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला प्रभु जी, हमारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लोग जय, यीशु के लोग जय, यीशु के लोग जय। प्रभु जी जीवन की नदी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीवन की रोटी प्रभु जी, केवल प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा पहला फल परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु कहता है कि मैं ही द्वार हूँ कहने वाले, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय को पाया है प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां रखने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुबह के समय के लिए आज जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करे और आशीष दे, और आपकी प्रार्थना का जवाब आज आपको मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद करते। क्या आज आप अपने जीवन में बहुत दुखित हैं? क्या आज अपने जीवन में बहुत निराश हैं? और क्या आज आप ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं कि आप सही होते हुए भी जो लोग हैं वो आपके साथ बुरे व्यवहार कर रहे हैं और आपका तिरस्कार करते हैं और बार बार आपको दुख और कष्टों का सामना करना पड़ता है और आपके बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं और आज आप अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, दुखित है, निराश है और आप अकेला महसूस कर रहे हैं। यदि ये सारी बातें अपने जीवन में और अपने जीवन में समस्याओं और विपत्तियों का सामना कर रहे, दुख में है और आपको तिरस्कार और निंदा, ये सारे कुछ आपको सहना पड़ रहा है और उदासी के बंधन में है आज, तो धीरज रखें। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और आपके जीवन में आज जो भी बात हो, परमेश्वर हर उस व्यक्ति के लिए खड़े होंगे जिनके विरुद्ध अफवाहें फैलाई गई हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा कब करेंगे करके आप सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि प्रभु मेरे जीवन में कब सुख के दिन आएंगे, कब शांति के दिन आएंगे। आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे, प्रभु जी मेरे जीवन में कब ये सारी समस्याओं का अंत होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे जीवन में भी ऐसा ही था। जब मैं बीमारी की अवस्था में थी तो मैं भी ऐसा कहा करती थी, प्रभु जी कब मैं वो दिन देखूंगी कि मैं उस दिन का हूँ कि आज मुझे कोई पेन नहीं है, आज मुझे कोई दुख नहीं है, आज मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं कब कहूंगी परमेश्वर, मैं कब कहूंगी परमेश्वर कि आज मेरे पास पैसे हैं, आज मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं ऐसे कहा करती थी, प्रभु जी कब, मैं कब कहूंगी, कब इस दुख से और इस पीड़ा से मैं बाहर आऊंगी। पिता परमेश्वर, मैं ऐसा परमेश्वर को पुकारती थी। मैं कभी भी किसी को नहीं कहती थी, लेकिन मैं परमेश्वर को ये कहा करती थी कि कब मेरे जीवन से ये सब खत्म हो जाएंगे, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर करके मैं प्रार्थना किया करती थी। तो आज आप भी ऐसी ही कुछ परिस्थिति में होंगे जो परमेश्वर को आप बार बार ऐसे क्वेश्चन करते होंगे, पूछते होंगे परमेश्वर से। तो परमेश्वर हर उस व्यक्ति के लिए खड़े होंगे जो आपके विरुद्ध में अफवाहें फैलाई गई हैं, या फिर आप दुख सह रहे होंगे, आप अपने जीवन में कष्टों का सामना कर रहे हैं, निराशा में हैं और उस उदासी के बंधन में आप पड़े हैं। तो परमेश्वर आज यह आपके लिए करेंगे। परमेश्वर आज आपको आपके उसी स्थान में आपको ऊंचा करेंगे और आपको आदर दिलवाएंगे। परमेश्वर आपको आदर दिलाएंगे जहां आपको लज्जित होना पड़ा था और जहां पर आपका अपमान और आपकी निंदा की गई थी। और परमेश्वर आज आपको उन लोगों के सामने आपको ऊंचा उठाएगा जिन्होंने आपका अनादर किया था। ये मत सोचिए कि परमेश्वर उसे नीचा करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको आशीष से भर देगा। और आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आपकी आशीष लोगों को बोलेगी। आपका फल, आपका जो फल है आपके जीवन में से, वो लोगों को बताएगा कि आप आदर के योग्य हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आज परमेश्वर आपके हर एक अनादर से आपको मुक्त करेंगे, पूर्ण रीति से आजाद करेंगे। आज से हर अपमान आपके जीवन में से दूर हो जाएगा, जैसे कि वचन में कहती है पवित्र शास्त्र में। और जब मैं
तुम्हारे सामने तुम्हारे बंधुओं को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। सपन्या तीसरा अध्याय उसका 20वां वचन में लिखा हुआ आप ये जरूर पढ़िएगा। तो परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देने का प्रभु यीशु मसीह वायदा करते हैं। इसलिए आज आप अपनी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर पे भरोसा रखिए और जो काम परमेश्वर ने आपको सौंपा है उसे कीजिए। तब आप प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप अपने जीवन में आशीषों को पाएंगे, आदर को पाएंगे, प्रतिफल को पाएंगे आज अपने जीवन में। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आपकी निराशा का दिन जल्द खत्म होने वाला है। सच में मेरे जीवन में भी से सारे निराशाओं को दूर किया, समस्याओं को दूर किया, तो आपके जीवन में भी करेंगे। दाऊद भी परमेश्वर की प्रशंसा करता था, वो कभी भी अनाज्ञाकारिता नहीं की परमेश्वर के प्रति। उसकी परिस्थिति बहुत ही विषम थी, बहुत ही ज्यादा, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर को कभी भी नहीं तजा, कभी भी नहीं छोड़ा। दाऊद ने परमेश्वर को, अब्राहम ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा जबकि उसके पास अपना खुद का संतान नहीं था। लेकिन परमेश्वर, उसने कुछ मांगा नहीं कि प्रभु मुझे संतान दे, मुझे ऐसा दे, लेकिन उसके आशीष ने, उसकी आज्ञाकारिता ने परमेश्वर को मजबूर कर दिया देने के लिए, जो कि परमेश्वर से प्रेम करता था और आज्ञाओं को मानता था। जो परमेश्वर बोलता था वो वही करता था। आज बहुत सारे भाई बहन बोल रहे होंगे कि हम कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करिए, तो बहुत ही कठिन है। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है उसके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। परमेश्वर पर विश्वास रखिए। यदि आज आप उस दुख की घड़ी में जी रहे, बीमारी की परिस्थिति में हैं और बेड में बैठे हुए हैं, आप अपनी उस परिस्थिति में बैठे, आपके पास पैसे नहीं है, आपका फाइनेंशियल बहुत ही कमजोर, आपका नौकरी नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, परमेश्वर को बोलिए प्रभु यही मेरी गवाही का जीवन है, प्रभु मुझे गवाही का जीवन दो, प्रभु मुझे आशीष करो। मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगी, मेरा आशीष दूसरे लोगों को बोलेगा, मेरी गवाही दूसरे लोगों को बताएगी कि परमेश्वर मेरे जीवन में इतने बड़े काम किए हैं। आपको किसी के प्रति कुछ किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपकी आशीष आपको आज, आपकी आशीष आपको ऊंचा करेगी, आपकी आशीष आपके अनादर को दूर करेगी, सारी मलिनता को दूर, सारी गंदगी को आपके जीवन से दूर करेगी। आपका आशीष बोलेगा, आपका फल बोलेगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखिए, चिंता ना हो, निराश ना हो। सभी के जीवन में समस्याएं और चिंता आती हैं। हमारे जीवन में इसलिए परीक्षाएं आती हैं कि हम अपने जीवन में से परीक्षाओं को पास करके हम अगले आत्मा के लेवल में जाएं और फिर परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी। हमारी परीक्षा इसलिए होती है कि हम आत्मिक जीवन में खरे निकले। जैसे सोना को आग की भट्टी में डाला जाता है और खरा निकलता है, तो उसी प्रकार यदि आज आप आग की भट्टी में हैं, तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप छोड़ दे, क्विट कर जाएं। परमेश्वर ये चाहता है कि आप आगे बढ़ें और उसमें से विजय पाएं। और जब हम प्रार्थना के साथ अपने जीवन में चलते हैं, आज्ञाकारिता के साथ हम चलते हैं, परमेश्वर के प्रेम के साथ हम चलते हैं, तो ये परीक्षा कोई बड़ी नहीं होती, बल्कि परीक्षा जल्द खत्म हो जाती है और हम उस परीक्षाओं से हम विजयी पा लेते हैं। तो आज यदि आप किसी भी परीक्षा, यदि आज आपके भी जीवन में भी ऐसे ही परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं, अपने जीवनों में, अपने आत्मिक जीवन में आप बीमारी की घड़ी से गुजर रहे हैं, वो परीक्षाओं की घड़ी से गुजर रहे हैं, तो अब आपको बस चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर हमारे साथ है। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। हम निराश हो जाते हैं और ऐसे वर्ड बोलने लगते हैं, पर याद रखिए, उन दिनों को याद कीजिए कि परमेश्वर ने आपको कैसे बचाया, परमेश्वर ने कैसे आपको छुड़ाया। आपको परमेश्वर ने मौत के मुंह से निकाला है, उन बीमारियों से परमेश्वर आपको निकाला है। याद कीजिए वो दिन कि कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवनों को उस समय परमेश्वर ने हमें बचाया है, छुड़ाया है, अनुग्रह देके चलाया। तो क्या आज परमेश्वर हमें नहीं छुड़ाएगा? तो क्या आज परमेश्वर हमें उस समस्याओं से बाहर नहीं करेगा, उस विपत्ति से हमें नहीं बचाएगा और हमारी हमें चंगाई नहीं देगा? 100% श्योर परमेश्वर आपको छुटकारा देगा और आपको चंगाई देगा, क्योंकि हमारा हक है परमेश्वर। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री, हम उनके बेटे और बेटियां, हमारा हक है। प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है और वही सब कुछ है। हम अपने पिता से कुछ भी मांग सकते, जैसे आप अपने आसमानी पिता से, आप अपने पिता से कुछ भी बोल देते, कुछ भी मांग लेते, तो आप अपने पिता से क्यों नहीं बोलते? आप अपने पिता को क्यों नहीं बोलते?
आप भी बैठ जाइए आज प्रार्थना, आज आप भी रूम में बैठ जाइए और मांगिए पिता से, जैसे हम अपने पिता को अपने पापा को हम मुँह खोल कर कुछ भी मांग लेते, कुछ भी बोलते हैं, नहीं डरते हैं, नहीं शर्माते हैं, तो परमेश्वर ने आपको भी ये अधिकार दिया है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर परमेश्वर ने हमें भी बोलने के लिए, परमेश्वर ने हमें भी सामर्थ्य दिया, हमें भी सब कुछ दिया, इसलिए हम भी परमेश्वर के सामने में बैठकर हम मांग सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे हम अपने पिता से हम कुछ भी मांग लेते हैं, उसी प्रकार से हम अपने पिता से भी, जो हमारा सब में सब कुछ है, जो हमारा सृष्टि करता है और जिसने हमें अपने लहू से हमें मोल लिया है, खरीद लिया है और हमने दाम देकर छुड़ा लिया है, और उस समय परमेश्वर ने हमारी सहायता की, मदद की, बीमारियों से हमें छुटकारा दिया, चंगा किया, मौत के मुँह से हमें निकाला है, हर चीज़ से हमें बचाया छुड़ाया, तो हम आज परमेश्वर के सामने बैठकर मांगे और परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। हमारे शब्दों में ही आशीष है और हमारे शब्दों में ही कुछ भी नहीं है, इसलिए जब हम कुछ मांगते हैं परमेश्वर के सामने तो सब कुछ परमेश्वर पूरा करके देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम कैसे मांगना चाहिए, हम क्या बोलना चाहिए परमेश्वर से कि हमारे जीवन में परमेश्वर सब कुछ करके देगा। परमेश्वर का वचन मरकुस सचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 23वां वचन में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे जो कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा, तो आपके मुंह के शब्दों में ही आशीषित है। यदि आप आशीष की बात कहेंगे और आशीष ही बोलेंगे और कोई नेगेटिविटी वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब आशीष की बात बोलेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ होगा, और यदि आप अपने जीवन में निगेटिव वर्ड्स यूज करेंगे तो वो निगेटिव ही होगा, क्योंकि शैतान भी सुनता है उस निगेटिव वर्ड को और वो चाहता है कि आपके जीवन में सब निगेटिव ही नकारात्मक ही और नकारात्मक ही आपके जीवन में हो। तो आज आप क्या चाहते हैं कि आपके जीवन में सब सकारात्मक हो, सब कुछ आशीष ही आशीष हो। तो परमेश्वर का वचन मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 23वां वचन में जैसे मैंने पढ़ा कि यदि तू इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा, समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन साफ साफ लिखा हुआ है, तो आज इस वचन पर विश्वास कीजिए। और जब हम बोलते हैं कि ये ठीक हो जा तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। और आप बोलेंगे ऐसा हो जाए तो होगा, आप बोलेंगे मेरा फाइनेंशियल ब्लेस हो जाए तो होगा, आप बोलेंगे कि मेरे जीवन में सारे शाप दूर हो जाए तो होगा, नहीं होगा। लेकिन वो कैसे होगा? वो होगा विश्वास के द्वारा, जब हम विश्वास के द्वारा बोलेंगे और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोलेंगे तब वह होगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आज विश्वास के साथ बोले प्रभु यीशु मसीह को, प्रार्थना करें। यदि आज अपने जीवन में से उस बीमारी को डांटेंगे तो वो भागेगी, रोएगी और घबराएगी और आपको छोड़कर चली जाएगी। वो अपने जीवन से दर्द को डांटे, अपने जीवन में से उस जो फाइनेंशियल के प्रॉब्लम है उसको डांटे अपने जीवन से, बोले बाहर निकल और वो बाहर निकल जाएगी, और बोले मेरे जीवन में से सारे अंधकार की शक्ति के कार्य निकल जा तो वो निकल जाएगी। जब परमेश्वर यहोवा ने सृष्टि कर रहे थे जगत की, जब उसने बोला तब वास्तव में वैसा ही हो गया। तो आज हम बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और हम विश्वास के साथ बोलेंगे और हम संदेह नहीं करेंगे बल्कि पूर्ण रीति से प्रतीति करेंगे, विश्वास करेंगे, यीशु का नाम लेके बोलेंगे, तब हमारे जीवन में वैसा ही होगा। आमीन बोलिए, आमीन। तो आज अपने जीवन में ऐसे प्रार्थना करें, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे जीवन में से हर अंधकार की श्राप खत्म हो जाए, गेट आउट इन द मैटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, सारे खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से, सारी बीमारी छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से, मैं डांटती हूँ हर एक बीमारी को, हर एक श्राप को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, चली जा इन द मैटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लोग जो यीशु के लिए, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, परमेश्वर ने कहा है तू मेरा है, तू मेरा ही है, मैंने तुझे कभी नहीं त्यजा है। वचन बोल बोल कर प्रार्थना कीजिए और शैतान की युक्तियों को डांटिए अपने जीवन में, जो दुष्ट आत्मा आपको तंग करते उसको डांटिए, परमेश्वर ने आपको पावर दिया
अधिकार दिया, डांटने का अधिकार दिया। विश्वास के साथ बोलिए, प्रार्थना जो कर रहे पूर्ण रीति से आ जाइए आत्मा में, आ जाइए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य ना, मैं कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा। आप ठान लीजिए कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ करके आप ठान लीजिए, अपने रूम में बैठ जाइए, चटाई लगा के घुटने पे आकर बैठ जाइए। जब हम घुटने पे आकर बैठते हैं तब शैतान रोता है और वो रोता है, और आप जब हम प्रार्थना करते हैं हम यीशु का नाम लेके विश्वास के साथ, तो शैतान रोता है और आपके घर को छोड़कर चले जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके जीवन से हर अंधकार की शक्ति, हर एक बीमारी, हर एक दुख, हर एक कष्ट, मुसीबत आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो आपको भी प्रेयर करना होगा, आपको भी प्रार्थना करना होगा, ये बात जरूर याद रखिएगा। आप प्रार्थना सुनते जरूर हैं, लेकिन आप प्रार्थना भी करें यीशु मसीह के नाम से। आप अपना टाइम बना लीजिए कि मुझे इस समय प्रार्थना करना है, इस समय कोई भी टाइम में प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आपको इतने बजे से इतने बजे ही प्रार्थना करना है। आपके पास पूरा समय कभी भी, रात को 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, 2 बजे, सुबह शाम, एनी टाइम आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता और उत्तर देता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। तो चलिए आज मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। विश्वास में बने रहिए, विश्वास के साथ प्रार्थना को सुनिए और प्रार्थना भी कीजिए साथ में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवते सच्चे सामर्थ्य अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अतिकर नाम है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की तारीफ और प्रभु की महिमा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु की लौ की जय, यीशु की लौ की जय, यीशु की लौ की जय। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु की लौ की जय, यीशु की लौ की जय। हालेलुया, प्रभु की स्तुति है, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति परमेश्वर पिता। आज जितने विश्वासी भाई बहन जो इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, प्रभु जी बहुत सारे अधिकतर भाई बहन जिनको अपने शब्दों को यूज करने नहीं आता, उन वो जानते नहीं कि शब्दों के सामर्थ्य क्या है, कि जो हम जो सामर्थ्य हमारे शब्दों में, हम कैसा हमें प्रार्थना करना चाहिए पिता परमेश्वर। आज इन्हें प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर, इनके जीवन में से सारे अंधकार की शक्तियों को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु आज प्रार्थना करने के लिए विशेष अनुग्रह कृपा दीजिए प्रभु, हम शब्दों से नहीं बल्कि हम आत्मा के साथ प्रार्थना कर पाए, ऐसा हमें अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करना में पिता परमेश्वर, हमारे पास हथियार है। अब जितने भाई बहन हैं आपके पास, मान लो कि आपके घर में कोई डाकू, कोई गुंडा, कोई घुस आया आपके घरों में, लेकिन और आपके पास हथियार है, आपके पास स्प्रे, सब कुछ है, सब कुछ है, और आपके पास सब कुछ है, वो हथियार है, लेकिन आप उस हथियार को चलाते नहीं हैं और आप रोना शुरू कर देते कि ये कैसे, ये गुंडा और या फिर कोई डाकू जो होगा मेरे घर से निकलेगा। इसलिए आज जितने विश्वासी भाई बहन हैं अपने उस मुंह के शब्दों के सामर्थ्य को नहीं जान पाते, वो जानते कि उनके जीवन में, परिवार में शैतान कार्य कर रहा है, लेकिन वो नहीं जानते कि कैसे उस कार्य को अपने शब्दों के सामर्थ्य के द्वारा वो उसे खत्म कर सकते हैं। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपके पास परमेश्वर ने हथियार दिया है, मुंह के शब्दों का हथियार। मुंह के शब्दों का हथियार का मतलब आपके मुंह में ही सामर्थ्य है, आप उसे चलाना शुरू कर दीजिए। आपके पास हथियार है, आप प्रार्थना के साथ, आत्मा के साथ, विश्वास के साथ उसे चलाना शुरू कर दीजिए और देखिए आपके घर जो भी गुंडा हो, जो भी डाकू हो, जो भी जंगली और जानवर हो, वो आपके उस हथियार से, जो सामर्थ्य परमेश्वर ने दी, जो अधिकार दिए, उससे हर एक शैतान, हर एक उसकी युक्ति सब खत्म हो जाएंगे आपके जीवन में से। आप शांत ना रहें, बोले अपने जीवन में से, अपने परिवार में से हर बीमारी रूपी पहाड़ को आज आज्ञा दीजिए और बोलिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक बीमारी जो मेरे जीवन में है, मेरे शरीर में है, हर एक दर्द, हर एक पेन, हर चीज, हर एक लाइलाज बीमारी निकल जा, तो वो निकल जाएगी। बोले मेरे जीवन में से निराशा दूर हो जा, मेरे जीवन में से डर भय की आत्मा दूर हो जा, मेरे जीवन में से दुष्ट आत्मा चली जा, तो वो चली जाएगी। कंगाल की आत्मा चली जा, बीमारी की आत्मा चली जा, गरीबी की श्राप खत्म हो जाए, बीमारी की श्राप खत्म हो जाए, तो आपके जीवन में से वो छोड़कर चली जाएगी। प्रार्थना कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ करेगा। हर एक बीमारी मेरे जीवन में से छोड़कर चली जाए, क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरे लिए 39 कोड़े खाए हैं और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, और उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए रोगों को सहा है। और आज से 2000 वर्ष पहले मेरा प्रभु ने मुझे चंगाई दे चुका है, इसलिए मैं चंगी हो चुकी हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य ना। मैं वचन को बोल बोल कर प्रार्थना कीजिए। पहली बात, आप विश्वास करें, विश्वास करें, सामर्थ्य के वचन बोलें और वचन से प्रार्थना करें और अंगीकार करें।
और डांटे शैतान शक्ति को, उसकी युक्तियों को, तो आपके जीवन में से हर एक श्राप खत्म हो जाएगी, बीमारी खत्म हो जाएगी। रोज, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, ये रोज करें और देखिए आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, ब्लेसिंग होगा। तो आपको ये करना ही होगा। यदि आप आज अपने जीवन में आशीषों को चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको थोड़ा सा सहना पड़ेगा। कष्ट सहने का मतलब थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा प्रार्थना करने के लिए, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि यदि आज आप अपने जीवन में आशीष को चाहते हैं, अपने जीवन में से सारी बीमारियों को, कष्टों, मुसीबतों को दूर, सबको दूर करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, आपको प्रार्थना करना होगा। तो आपके मुंह में ही आशीष के वचन है, आशीष आपके मुंह में ही आशीष ही है, आशीष और श्राप दोनों है। आप क्या लेना चाहते हैं अपने जीवन में से, श्राप लेना चाहते हैं कि आशीष लेना चाहते हैं? तो आज प्रार्थना कीजिए, हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के लोग जब रामा गदी रणा पशर लेवा गदी रणा बथिरा हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी आज इन भाई बहनों को प्रार्थना करने का विशेष अनुग्रह कृपा दीजिएगा पिता परमेश्वर, जो आज ये बहुत ही उदास है, निराश है, इनके जीवन में से सारी निराश और उदास को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। जो परमेश्वर पिता जी अनादर हो रहा है प्रभु जी, इनके अनादर को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। और आज आप करने वाले इनके जीवन में मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इनके जीवन में से सारे श्रापों को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु कहता है कि जिस जगह पे आप लज्जित हुए, आपका अनादर हुआ है, उसी जगह पे परमेश्वर आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा और परमेश्वर आदर करवाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर पिता, दया करो पिता परमेश्वर। ये परमेश्वर कहता है कि आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू चिंता क्यों करती, तू चिंता क्यों करता है करके परमेश्वर कहता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर को अपना चिंता उंडेल दीजिए, तब परमेश्वर आपके जीवन में राह निकालेगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ सॉल्व करके देगा आपके जीवनों में। हालेलुया हालेलुया रब गदी रब शर रब गदी रब थिरा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के, उदासी के हर एक कारण खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपके जीवन में सॉल्यूशन निकाल के देने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। जो बीमारी के कारण जो पिता परमेश्वर जो उदास है, जो परमेश्वर नेगेटिविटी उनके माइंड में आती रहती, सारी नेगेटिविटी गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रब गदी रब शर रब गदी रब थिरा। मैं डांटते हूँ एक नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चली जाए, इनके जीवन को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया 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 रब गदी रब खति रब शर रब गदी रब थिरा। प्रभु जी दया करो प्रभु जी, इनके जीवनों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। इनका सारे दुख और परेशानियों को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी। जो भाई बहन आज बीमार है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ हर एक बीमारी को, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। ए बीमारी, तेरा कोई अधिकार नहीं इन लोगों के जीवनों में, इनके शरीर में, क्योंकि हम यीशु मसीह के कोड़े खाने से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, इन भाई बहनों के लिए कोड़े खाए और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अंगीकार कीजिए अपने जीवन में कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए और प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। 39 कोड़े खाए। हालेलुया प्रभु जी, दया करो दया करो। परमेश्वर ने मेरे रोगों को सह लिया, इन भाई बहनों के रोगों को सह लिया, पूरे वर्ल्ड के सब लोगों को रोगों को सह लिया पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, दया करो। मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती हूँ उनके जीवनों में से सारे दुख क्लेश मुसीबत सारी बीमारी खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ए बीमारी, तेरे को अधिकार नहीं इनके जीवनों में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु की चंगाई आज आपके ऊपर उतरने पाए स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ स्वतंत्र प्रार्थना परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर। प्रभु की स्तुति है, प्रभु की महिमा, प्रभु जी सब में सब कुछ पूरा करके देने के लिए परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया रब गदी रब शर रब गदी रब गदी रब थिरा। हालेलुया धन्यवाद 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 प्रभु जी, दया करो इनके जीवनों को पिता परमेश्वर। आपके हाथों में सौंपती हर एक गिल्टी गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम से, दर्द की आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से, आपके पेट दर्द से परमेश्वर पूर्ण छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से। आपको जो गैस्ट्रिक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके लीवर ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से, भले और चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। आपका हार्ट चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आपका हार्ट अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट करे यीशु मसीह के नाम से। हर एक जो ब्लड का जो थक्का जो जम गया यीशु मसीह के नाम से, वो पूर्ण रीति से यीशु मसीह के नाम से बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोई रुकावट ना आने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु जी दया करो प्रभु जी, इनके जीवनों के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। दया करो प्रभु जी, इनके लीवर पूर्ण रीति से चंगे हो जाए यीशु मसीह
मसीह के नाम से। आपके गले का दर्द आपको छोड़कर चले जाए यीशु मसीह के नाम से। आपकी आंखों की रोशनी वापस आने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रभु दया करो, दया करो, पूर्ण रीति से छुटकारा को पा लीजिए अपने जीवन में। हर एक बीमारी, हर एक क्लेश आपके घरों को छोड़कर, आपके जीवन को छोड़कर, आपके शरीर को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु कहते हैं कि इस पहाड़ से बोलेगा तू हट जा तो वो हट जाएगा। हम बोलते हैं बीमारी तू हट जाए, इनको घर को छोड़कर चले जाए यीशु मसीह के नाम से। हट चुकी है, विश्वास करे अपने जीवन में, आपका रिपोर्ट नॉर्मल है, आपका रिपोर्ट निगेटिव है यीशु मसीह के नाम से। हर एक इलाज बीमारी गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। हर एक थायराइड की प्रॉब्लम से आपको आजाद हो जाए, आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम के जीवन से। बीमारी की श्राप खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, दया करो पिता परमेश्वर। एक पीलिया, टाइफाइड सब खत्म हो जाए, हर एक बीमारी खत्म हो जाए अपने जीवन में। बोलिए जो भी आपके जीवन में बीमारी है उस बीमारी का नाम लेके बोलिए, ये बीमारी गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तेरा मेरे शरीर पे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका करके बोलिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक सूजन, हर एक स्वेलिंग आपके शरीर को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से। आप चंगे हो जाए, हर एक दर्द की आत्मा, हड्डी के दर्द की आत्मा, हड्डी की रोग, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रभु जी दया करो, जो चल नहीं पाते वो चलने पाए। प्रभु आपको स्ट्रेंथ दे आपके पांवों में यीशु मसीह के नाम से, आपके हाथों में स्ट्रेंथ दे, आपके हार्ट पूरी रीति से सुरक्षित हो और चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी रीति से चंगे हो जाए, आपके गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम से आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रभु दया करो, आपका शुगर पूरी रीति से नॉर्मल हो जाए, आपका बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर के जीवनों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। आपने छुटकारा और चंगाई दिया परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता। इन भाई बहनों के जीवनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक के द्वारा इनके जीवनों में से सारी बीमारी भस्म होके जलकर राख हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो इनके परिवार को, प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, आपके लोह में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। जिसे आपने मुझे छुटकारा दिया प्रभु जी, चंगा किया पिता परमेश्वर, मेरा रिपोर्ट पढ़ते से निगेटिव आया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। उसी प्रभु जी आज इनके जीवन को पूरी छुटकारा दो पिता परमेश्वर, चंगाई दो पिता परमेश्वर। इनकी लंबी आयु के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, रब गदी रब गदी रब शर रब गदी रब तिरा। धन्यवाद यीशु, मैं लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती, इनका जीवन बढ़ने के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती। जितने दिन परमेश्वर ने आपको दिया उतने दिन आप परमेश्वर की स्तुति करें, प्रार्थना करें परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, दया करो परमेश्वर पिता। जो अपने जीवन में परेशान है उस परमेश्वर पिता, जिनके पास जॉब नहीं है, बहुत परमेश्वर पिता दुख हो, जो अपने जीवन में बहुत ही मुसीबतों को सामना करें, नौकरी ना होने की वजह से, बिजनेस ना होने की वजह से, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर के जीवनों में प्रभु जी, मैं बिजनेस के लिए ब्लेस करती प्रभु जी, इनको बिजनेस दो प्रभु जी, नया बिजनेस से आशीष कर दो पिता परमेश्वर। जिनका बिजनेस और चल नहीं रहा है यीशु मसीह के नाम से आपका बिजनेस ग्रोथ होने पाए डे बाई डे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको मैं नौकरी से मैं ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं पिता परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, ब्लेस किया, धन्यवाद करती हूँ। जो परमेश्वर पिता जो एग्जाम दिया है प्रभु जी गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनका एग्जाम सक्सेसफुल होने पाए, वो पास हो जाए और गवर्नमेंट जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने आशीष दे दिया, धन्यवाद करते। जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु जी, उनके मैंने प्रार्थना करती परमेश्वर को जॉब से ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो जेल में बंद है यीशु मसीह के नाम से वो रिहा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जो झूठा केस में फंसा दिया गया वो बरी हो जाए, इज्जत बरी होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु जी। हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। इनके जीवन में आशीष की भरपूरी से भर दीजिए प्रभु जी। इनके घरों में फाइनेंस की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, सारे फाइनेंस को मैं डांटती हूँ जो लो है यीशु मसीह के नाम से। आपके फाइनेंस स्ट्रांग हो, मजबूत है यीशु मसीह के नाम से। आपके घरों में बरकत और आशीष हमेशा बनी रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ आप परमेश्वर पिता। इनके घरों में आशीष और बरकत दो पिता परमेश्वर। हालेलुया, दया करो प्रभु जी। इनके पर्स और वॉलेट हमेशा भरे रहे, इनके अकाउंट इनके बैंक बैलेंस सब भरे रहने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। पैसों की कोई कमी ना होने परमेश्वर, सारी आवश्यकताओं का पूर्ति करके देने वाला परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारी सारी आवश्यकताओं का पूर्ति करके दिया, इनके जीवन को पूर्ति करके देगा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करते। सारे छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते, जो बीमार है यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो खाते पिता परमेश्वर उनको पूर्ण रीति से परमेश्वर ब्लेस करो, आशीष कर दो पिता, पवित्र कर दो, शुद्ध कर दो पिता परमेश्वर। इनके अन्न जल पानी को मैं
प्रयास करती यीशु मसीह के समर्थी नाम में। जिनका ऑपरेशन हुआ और जो ऑपरेशन की वजह से जो उन्हें बहुत ही दुख उठाना पड़ रहा, पेन हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जा प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस पर। हालेलुया रबा खतुरा लबा शरा लबा गदीरा नमानिया रबा खतिरा लबा खतिरा। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर का। तो मैं सब जिनके पास संतान नहीं प्रभु, जिनके संतान की आशीष के लिए मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। गर्भ का फल आपकी ओर से पिता परमेश्वर दया कर प्रभु जी। इनके कोख को खोल दो पिता परमेश्वर। हालेलुया जैसे अपने हन्ना को परमेश्वर ब्लेस किया परमेश्वर पुत्र से, आज इनको भी आपको परमेश्वर आज इनको भी पुत्र से पुत्री से ब्लेस कर दो पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। कोई प्रॉब्लम ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेल मिल आपके साथ रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आपका डाइवोर्स कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया प्रभु जी दया करो दया करो दया करो। थैंक यू जीसस प्रार्थना सुनने धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपको अच्छा जीवन साथी मिलकर प्रार्थना करती हूँ। जिनके शादी में रुकावट आ रही है यीशु मसीह के नाम से शादी रुका, हर एक रुकावट कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम से, हर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया रब आपके पहला प्रेम के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके पहला प्रेम से भर दीजिए पिता परमेश्वर। उस पहला प्रेम में आने के लिए प्रार्थना करते हैं। अनकंडीशनल लव करने के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। भाई बहनों को प्रार्थना का आत्मा देने मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा की आग के अभिषेक के द्वारा इन्हें प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। दिया करो पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। सुबह परमेश्वर पिता अभी तक संभाला है और आगे भी संभालेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ, हमारी प्रार्थना को सुन लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर। महिमा मैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के लोक जय। प्रभु दया करो प्रभु जी। जो नशे में जकड़े हुए यीशु मसीह के नाम से हर एक नशे की आत्मा आपको छोड़कर चली जाए, शराब पीने की आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु मसीह। कोई भी हो, कोई भी क्यों ना आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से छोड़कर चली जाए। हर एक छोटे से लेकर बड़े नशे तक गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब आपको नशा करने का मन नहीं करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया धन्यवाद प्रभु जी। सारी प्रार्थना को सुन लिया धन्यवाद करते। जो अपने जॉब में जाते भाई बहन उनके संगो साथ रहना पिता परमेश्वर। उनके अपने जॉब में उनके ऊंचा कीजिए पिता परमेश्वर। आदर देना पिता परमेश्वर, अनुग्रह करके चलाना पिता परमेश्वर। और जॉब करने के लिए काम करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देने के मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद। सुबह के समय के लिए धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह देके चलाना। इनके हाथों के काम को आशीष दीजिए, बरकत दीजिए और ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। सर प्रार्थना को सुन लें धन्यवाद करते हैं। और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। मैं संती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों आप सभी लोगों को जय मसीह की। आज के हमारी की सुबह की प्रार्थना को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसका जिसे चाहे आप शेयर कर सकते हैं और दूसरों को बोले सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि वो भी इस प्रार्थना को सुन के वो भी आजाद हो सके अपने जीवन में उन कठिनाइयों से, उन निराशा से। परमेश्वर आपको आशीष दे और ब्लेस करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।